नाम तो सुना होगा। ये एबीबी का वीएफडी है, जिसका मॉडल है जो वीएफडी है ना, ये वीएफडी देखें आप, इसका मॉडल जो आप है ACH580, ठीक है। इसके ऊपर बात करते हैं, इसके वायरिंग के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर वही है, इसका मेन पावर ब्रेकर से आया है और वो यहाँ पर इसका इनपुट है, फिर यहाँ से आउटपुट होके आपका वीएफडी में जा रहा है और मोटर का डायरेक्ट पर आपका वीएफडी में, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, ट्रांसफार्मर को जिसको वोल्टेज जो आ रहा है आपका वो 380 आ रहा है और आउटपुट जो है इसका वो आपका 220 है। आउटपुट का जो वायर है वो 1 और 2, वो आपका लाइन न्यूट्रल हो गया सैमसंग 220 सिंपल। अब ये टर्मिनल को आप अच्छा से देख लें, ये टर्मिनल को देख लीजिए। यही टर्मिनल में DDC BMS का वायर कनेक्ट करना है, इसको BMS से कंट्रोल करने के लिए, और ये VFD को चालू करने के लिए एक ऑफ हैंड ऑटो, यानी मैनुअल में चलाना है तो आपका हैंड का इस्तेमाल करना है, ऑटो यानी DDC या BMS से आप चालू कर सकते हैं। तो अभी हमें BMS से DDC से कंट्रोल करना है, चालू करना है, तो वायर कहाँ कनेक्ट करना है, ठीक है। पहले सिंपल में एक बात यहाँ ये समझ लें कि लाइट के लिए जो इसके अंदर एक लाइट लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब लगा हुआ है ना, तो इसका पूरा वायरिंग कंप्लीट करके वो यहाँ लेके आ रहा है 1B और 2B, ठीक है। 1B और 2B यहाँ पर आपको 220 देना है, यानी कि यहाँ से ही वायर, यहाँ जो आपका ये 1 to 220 है, यहाँ से उठा के आपको वो वायर डालना होगा 1B 2B में। ऑलरेडी ये वायर पूरा कंप्लीट होके अंदर से जो लाइट लगा के वो वायर ला के यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, तो उसको 220 चाहिए। 220 जैसे मिलेगा तो वो हो जाएगा। तो ये जो आपका वायर है वो लाइट का है 1B और 2B, ये चूँकि लाइट की, मैं जामिल AC की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाद में आपको ये जो ब्लैक वायर दिख रहा है, ब्लैक वायर, ये जो VFD, देखिए ये VFD बॉक्स का जो पैनल है, इसमें एक फ़ैन लगाया गया है, फ़ैन जो इस सेक्शन में जो हीट होगा उसका हीट को बाहर करने के लिए एक फ़ैन का इस्तेमाल किया है, जो एडजस्ट फैन का इस्तेमाल किया है। तो इसका वायरिंग भी सिंपल है, आपको 1-2 में कनेक्ट कर देना है, सिंपल 1-2 में कनेक्ट करेंगे वो आपका काम हो जाएगा। बाकी बचा अभी जो हमारा 2, 4, 6, 8, 10 वायर जो इम्पोर्टेंट, जो इसके लिए जो मैं बात कर रहा हूँ, ये BMS से वायर आ रहा है। सबसे पहले चलेंगे हम लोग वायर नंबर 31 और 32 पे। 31 और 32 जो है ये आपका रन स्टेटस के लिए, यानी कि जब VFD रन है तो लोग सिग्नल लेने के लिए कि VFD चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो सिग्नल लेने के लिए वो 30 और 32 का इस्तेमाल किया है, 30 और 32 का रन स्टेटस का जो वायर वहाँ लगाना है, ठीक है। बाद में आपका ट्रिप के लिए जो इस्तेमाल किया है, जो वो नंबर है वो 33 और 34, वो ट्रिप के लिए है 33 और 34, ये आपका हो गया। अब जो मेन है, जो इसको स्टार्ट करने के लिए वो जो हम लगाना है वो आपको लगेगा 25 26, ये कमांड के लिए, BMS से ऑन ऑफ कमांड के लिए 25 26 है ABB ACH 5580 का, ठीक है। उसका ये अगर सेम इसका है तो सब में वही है, तो 25 26 जो है कमांड के लिए, ऑन ऑफ कमांड के लिए आपका इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाद में जो 0 to 10 volt चाहिए, 0 to 10 volt चाहिए वो आपको यहाँ चाहिए 20 से 21 में, ये आपका जो स्पीड अप डाउन जो होगा वो यहाँ पर आपको ये कनेक्ट करना पड़ेगा 20 से 21। ओके, बाद में ये आपका आउटपुट फ्रीक्वेंसी के लिए जो आपको लगाना है वो आपका ये है, कौन सा है आपका 23 और 24, 23 24, यही इसका वायरिंग है बस। ओके प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर, और कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।